शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले, घर के आंगन द्वारे द्वारे अनगिनत दीपों के जैसे मन खिले। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले, दीपक जले। ओम शांति। गोवर्धन पूजा के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष का पहला दिन और दीपावली का अगला दिन गोवर्धन पूजा के रूप में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। वास्तविकता में इस त्योहार का बहुत ही गहरा महत्व है प्रकृति के साथ और समाज के साथ। प्रकृति जिसमें धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि आ जाती है, पर्वत, पठार, मैदान आ जाते हैं, तो इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है जो कि प्रकृति का एक हिस्सा है। और इस दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है। इस दिन सभी लोग एकता, अखंडता इसका पाठ पढ़ते हैं और एकजुट होकर मिलकर पकवान इत्यादि खाते हैं, तो इसका सामाजिक महत्व भी है। बहुत सारी पौराणिक कथाएं इस त्योहार के साथ संलग्न हैं, जिनमें मुख्य तौर पर वृंदावन और श्री कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित एक बहुत ही रोचक कथा हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि कैसे इंद्र का दंभ यानी अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने वृंदावन निवासियों को कहा कि आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। और जब इंद्रदेव रुष्ट हुए तो उन्होंने अतिवृष्टि कर दी, तूफान ले आए, और तब उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को छोटी सी अंगुली पर उठा लिया, संपूर्ण वृंदावन निवासियों की रक्षा करी। जब सभी एकजुट हो जाते हैं तब बड़े से बड़ा तूफान भी तोहफा बन जाता है। मनुष्य आत्माओं का दंभ जो कि पर्वत के समान है वो टूट जाता है, क्योंकि जब कथा के अनुसार इंद्रदेव को ज्ञात हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उन्होंने माफी मांगी। तो कथा हमें ये बताती है कि इंसान जब भरपूर हो जाए तो उसे कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो निर्मानता का, निर्मलता का, निर्भयता का अभिमान पर कैसे विजय होती है, उसका द्योतक है गोवर्धन पूजा का ये विशेष त्योहार। और इस दिन लोग गौओं की पूजा भी करते हैं। गौ को माता माना जाता है, तो माताओं का महत्व भी ये दिन बताता है, क्योंकि गौ माता दुनिया के अंदर भी इंसान की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इस दिन विशेष तौर पर लोग गौए के गोबर से पर्वत बनाते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, एक साथ मिलकर पकवान इत्यादि खाते हैं, सभी अन्नों का सम्मिश्रण करके सभी लोग मिलकर खाते हैं। तो एकता, अखंडता, एकजुटता का परिचायक है गोवर्धन पूजा का ये विशेष त्योहार, क्योंकि जब इस संपूर्ण सृष्टि पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है तो एक मत होती है, एक भाषा होती है, द्वैत भावना नहीं होती, सभी एकजुट होकर एक साथ मिलकर हर कर्म करते हैं, ऊंच नीच नहीं होती, वैर भावनाएं नहीं होती, स्त्री पुरुष का, जाति पाति का अंतर नहीं होता। तो उस एकता और अखंडता का परिचायक है गोवर्धन
पूजा का यह त्योहार। साथ ही इस दिन सभी लोग बहुत ही प्यार से सुबह जल्दी उठकर सूर्य का नमन करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो पवित्रता का एक दूसरे के साथ प्यार का, सद्भावना का, स्नेह का परिचायक है गोवर्धन पूजा का ये त्योहार। गोवर्धन पूजा के अगले ही दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय पर हम सभी भैया दूज का त्योहार मनाते हैं, है ना? और हम जानते हैं इस दिन हम सभी बड़े प्यार से अपने अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं, है ना, सूत्र बांधते हैं, मुख मीठा कराते हैं। बहुत ही रोचक कथा इस त्योहार के साथ भी संलग्न है, वो है यम और उसकी बहन यमुना की। क्योंकि सूर्य के पुत्र व पुत्री थे, यमुना धरती लोक पर थी और यम ऊपर थे, जो कि कहानी में बताया जाता है। तो कहानी में अनुसार जब बहुत समय के पश्चात यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पृथ्वी लोक पर आए, तो यमुना ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनको बहुत प्यार से खिलाया, उन्हें तिलक लगाया, उनकी बहुत ही सेवा करी। तो उनके मन की इन भावनाओं से प्रसन्न होकर, उनके सत्कार से प्रसन्न होकर भाई यम ने यमुना को कहा कि अब से हर एक बहन और भाई जब ये त्योहार मनाएंगे तो वो यम की यातनाओं से यानी अचानक यानी अकाले मृत्यु के प्रकोप से वह भाई बच जाएगा। तो वास्तविकता के अंदर ये त्योहार हमें बहुत ही गहरा रहस्य बताता है। यम अर्थात कालों का काल महाकाल स्वयं परमपिता परमात्मा है और हम आत्माएं इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं। और जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर कल्प के संगम युग पर आते हैं और मनुष्य आत्माएं वो जो हैं जैसे हैं परमपिता परमात्मा को पहचान जाती हैं, तो परमात्मा हमें आत्मिक स्मृति का तिलक देते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम देह नहीं, अभी तो इस देह से अलग आत्मा है। परमपिता परमात्मा हमसे ये प्रॉमिस लेते हैं कि हम अपने जीवन में पवित्रता को अपनाएंगे, अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाएंगे और इसी का परिचायक सूत्र बांधा जाता है। परमात्मा न केवल हमारे मन को, हमारे मुख को, हमारे जीवन को भी सदाकाल के लिए माधुर्य से, प्रेम से, सद्भाव से संपन्न बना देते हैं। इसीलिए भैया दूज के दिन मुख मीठा भी किया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की पूजा अर्चना करती है। वास्तविकता में पूजा की जरूरत नहीं है, परंतु स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे भीतर इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता भर देते हैं जो हमारा जीवन ही पूजनीय लायक बन जाता है। तो परम पवित्र परम पिता परमात्मा का सृष्टि पर आगमन आत्माओं को देह से न्यारा, अजर अमर अविनाशी निराकारी स्वरूप में टिका देता है। और ऐसी स्थिति में आत्माएं यम की यातनाओं से यानी अकाले मृत्यु से छूट जाती हैं, क्योंकि आत्मा जब आत्मिक स्मृति में होती है तो वो स्वतः ही इस देह को त्याग करने के लायक बन जाती है, कर्म करते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने लगती है, कर्म योगी बन जाती है। तो बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से, यम और यमुना की कहानी के माध्यम से हमें बहुत सुंदर संदेश मिलता है कि हमें वास्तविकता में भैया दूज का त्योहार कैसे मनाना है। तो क्यों ना हम गोवर्धन पूजा को और भैया दूज को स्थूल रीति के साथ साथ सूक्ष्म रीति भी मनाएं, अपने जीवन के अंदर एकता अखंडता का वास करें, सबके साथ मिलकर रहें,
कभी भी जीवन के अंदर अभिमान न आने दें, निर्मान रहें, आत्मिक स्थिति का स्मृति का तिलक लगा कर रखें, मन को मुख को मीठा करें। केवल तन की पवित्रता नहीं अपितु मन को, दृष्टि को, वृत्ति को, कृति को भी पवित्र बनाने का व्रत लें। तब कहेंगे कि हम वास्तविकता रूप में ये पवित्र त्योहार हम मना रहे हैं, और तब ये त्योहार हमारे जीवन के प्रत्येक दिन को उमंग से, उत्साह से, खुशियों से भरपूर करेंगे। तो आइए कुछ देर के लिए सच्चे मायने में हम भैया दूज का और गोवर्धन पूजा का यह त्योहार मनाएं। आध्यात्मिक रीति अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ मनाएं। 2 मिनट के लिए सभी मन को चारों ओर से हटाएंगे, दुनिया की अनेक बातों से, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रभाव से मन को बिल्कुल डिटैच करेंगे, एकदम अलग संपूर्ण देह को ढीला छोड़ दें, हल्का भ्रुकुटी के मध्य। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इस संपूर्ण सृष्टि में अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार की विकृत भावनाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। परंतु मैं सर्वोच्च शक्ति, परम पवित्र परमात्मा की संतान आत्मा हूं। फील करें ये स्मृति मेरी आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली, एक रस बना रही है, अनेक बातों से हटाकर एक की याद में एकाग्र कर रही है। महसूस करें इस आंतरिक एकता व अखंड भावना को, जो मन को शक्ति, बुद्धि को पावन बना रही है। मेरे भीतर शिव की शक्तियों का संचार कर रही है। महसूस करें स्वयं परमपिता परमात्मा मुझे आत्मिक स्मृति का तिलक दे रहे हैं, मुझे मेरे सत धर्म की, स्वधर्म की स्मृति में टिका रहे हैं। स्वयं पवित्रता का सागर मुझमें पवित्रता की शक्ति भर रहे हैं। फील करें जैसे आकाश से वर्षा होती है तो तन भीग जाता है, ऐसे परमात्मा की पवित्र किरणों के भीतर मैं आत्मा पावन हो रही हूं। अंतर के विकार नष्ट हो रहे हैं, अंदर माधुर्यता, श्रेष्ठता, दिव्यता भरती जा रही है। महसूस करें
इस श्रेष्ठ स्मृति को। तो इस प्रकार से हम सभी भैया दूज का ये त्योहार मनाएं, क्योंकि सतयुगी सृष्टि में इस संपूर्ण सृष्टि पर एकाग्रता, एकता, अखंडता होगी। प्रत्येक मनुष्य आत्मा का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ होगा। तो ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि लाने के लिए हम सच्चे मायने में आध्यात्मिक रीति दीपावली के ये पांचों त्योहार सेलिब्रेट करें। तो एक बार फिर आप सभी को गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।